बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आप लोगों के ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह भाई ईंटें डालने के लिए आया हुआ था, क्योंकि कल भाई को हमने बोला था कि हमें जो है ना ईंटें डाल के ये वाली जो जगह है सारी, ये सारी ख़राब होती जा रही है। हमारे किचन के साथ की सारी यहाँ तक थी, लेकिन ये अब जो है ना यहाँ से लोग चढ़ चढ़ के ना ये सारी जगह ख़राब हो गई है। तो अब मामू ने कहा है यहाँ पर देते हैं एक दीवार, उसकी भराई कर देते हैं और फिर यहाँ से सीढ़ियाँ रख देंगे ऊपर चढ़ने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जी बिल्कुल, जैसे भांजे ने कहा, क्योंकि बच्चे वगैरह खेलते हैं ना, तो सारा ये जो रेत है तो ये नीचे नीचे जा रही है। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ से जो ना दीवार लगा देते हैं, बारिश वगैरह भी आएगी तो फिर जो है ना पानी का बहाव जो ऐसे जाएगा ना, तो ये जो है ना मिट्टी गिरेगी नहीं, तो दीवार के साथ बचत हो जाएगी। क्योंकि हमने बहुत मेहनत से और बहुत जो है ना लगन से, ये दिल से ये किचन बनाया है, तो फिर ये ये खराब तो ना। नहीं है, ये पार्ट टाइम तो नहीं है, ये हमारी एक ज़िंदगी है, इसके साथ हमने चलना है। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारी ये रेसिपी के लिए बहुत ही अच्छी जात हमने बनाई है, तो हमने कोशिश करनी है इसको बचाने के लिए, तो अच्छा से अच्छा करें। तो क्योंकि अब तो धुंधे भी बहुत पड़ गई हैं जी बिल्कुल। और धुंध आप लोगों के सामने है, आज बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, वहाँ से बंदा दिखाई नहीं दे रहा जी, कोई, जी है। मतलब तो थोड़ी देर दूसरी दूर तक। बात यह है कि बारिशों का भी बहुत खतरा है। हम कह रहे हैं कि कोई बारिशों के लिए भी इनका इंतज़ाम कर लें, क्योंकि ये कच्चा है तो ये ना हमारी मेहनत ज़ाया हो जाए। ज़ाया हो जाए। तो अभी चलते हैं किचन के अंदर, और चलकर किचन के अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है। मामू को तो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होगी हाँ अब। लग रही है मुझे, लेकिन ये इसकी जिप खराब हो गई है, तो इसकी वजह से ना हवा मुझे वो मुस्तफा ऐसे खींची है, तो ये देखें ये जिप खराब हो गई। चलें जी, मामी भी आप बाहर आ गई हैं, देखें नहीं खराब हो जिप देने के लिए। खराब नहीं है, वहां से खराब निकल जाती है मामी, वहां से ना निकाले ना, वहां से सुकून से जाने दें आगे। अच्छा मैं सलाम दुआ तो कर लूं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत होंगे, हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह के फजल करम से हम भी खैर खैरियत हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह का टाइम है और माशाल्लाह से धुंध चेक करें, बहुत ज़्यादा धुंध है। इस धुंध में अभी बच्चे गए हैं स्कूल, तो बड़ी परेशान हो रही हूँ। ईंटें चेक करें, ईंटें ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। धुंध को रहने दें। रोज मुझे कहती है ये जो है ना हमारी मेहनत जाया और ये जाया और ये, तो आज मैंने कहा चलो सबसे पहले यही काम कर लूं, क्योंकि फिर सही है कच्ची भी है, पर ये है कि वो गाय मिट्टी मट्टी के साथ ना इसकी लिपाई कर, लिपाई कर देंगे तो हमारा गुजारा चल जाएगा, गुजारा चल जाएगा बिल्कुल। हमने जस्ट ये मट्टी जो है ना ये रोकनी है बस, हाँ ये गिरे नहीं, बच्चे भी ना गिरे, और यहाँ से सीढ़ी जो रखेंगे ना आराम सुकून से आना जाना हमारा रास्ता बन जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस जल्दी जल्दी बस इसको कंप्लीट करते हैं, और बहुत जल्द जो है ना अच्छी अच्छी रेसिपियाँ और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं बहन भाइयों के लिए। अच्छा मामू ये बताएं, सूरज निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ? सूरज वो सामने देखो निकला है? हाँ हाँ वो है, चलो हाँ वो थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये देखें जी जैसे चांद ना हो, लेकिन छुपा बादल। आज मुझसे भी ज्यादा मेरे भांजे को सर्दी लगी हुई है। क्योंकि मैं इस वक्त फ्रेश होता हूँ, बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मा। वालेकुम सलाम, क्या बात है, सर्दी लगी हुई है जी सर्दी। नानी अम्मा ने नीचे भी ये देखे गद्दा बना के रखा हुआ, चार तह कंबल के बना के, और ऊपर भी कंबल डाला हुआ है। आज तो सर्दी बहुत है, और नीचे हमारी वो उठी हुई है अम्मा, उठी हुई है। अच्छा वो उठी हुई है ना नानी अम्मा, कहती है उसको मत उठाना। और यहाँ पर जी बनाई जा रही है रोटी, बड़ी खाला साग के साथ रोटी खा रही हैं, और यहाँ पर मामी रोटी बना रही हैं। अभी आटा काफ़ी पड़ा है, इसका मतलब है सिर्फ बच्चे खाना खा के स्कूल गए हैं, बाकी सब रहते हैं। बस बच्चे खा के गए हैं, अभी सबके लिए नाश्ता बनाना है। देखो वो भी देख रहे हैं कि कब नाश्ता मिलेगा। हाँ बोलो। हाँ जी अम्मा, ये देखो आंसर, ये इधर 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 स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में तो देखो। अच्छा नानी मैं कहती है मैंने देखा है, वो जाग रही है लेकिन मैंने उसे सुला रही हूँ मैं। सर्दी बहुत है, ये कहती है बाहर ले चलो। हाँ ये तो है। मैंने उठा दिया आके। चलें जी मामू, इसका मतलब है आपको नाश्ता ही मिला अभी तक। बस अब हमारी बारी लग चुकी है।
तैबा उठाई है और अब कह रही है कि मुझे बाहर ले जाओ। बाहर जाना है, बाहर जाना है, इधर देखो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चले बाहर। आने आ जाओ। आपको कह रही है कुछ कुछ खानी खानी, वो देखो कह रही है बाबा के साथ नाश्ता करूंगी, वो भी रोटी का। आ जाओ आ जाओ, बाबा वाला नाश्ता उसे अच्छा लगता है। इस प्लेट में दे दो थोड़ी सी, आधी चम्मची, वैसे खाएगी नहीं, नहीं नहीं इतनी नहीं, खाएगी खाएगी तो अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं खाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, नीचे जो है ना वो नल वाला आया हुआ है भाई, तो चार नल हमारे पास आए हुए थे, दो तख्तियां हम दे रहे हैं, भाई आया हुआ है लेने के लिए, दो तख्तियां मैंने उठा ली हैं, भाई को देते हैं और भाई फिर जाएंगे नल लगाने के लिए। ये लें जी, ठीक है, ठीक है। हाँ ये दो तख्तियां आ गई हैं, बाकी दो तख्तियां पड़ी हुई हैं, एक तख्ती ठीक करवानी है और एक तख्ती फिर आप जब लगेगा तो फिर ले जाइएगा, ठीक है। बाकी भाई गया हुआ है आपका, नल लगा रहा है, नल का लगा रहा है। चलें जी, ठीक है, ख्याल से ले जाना, तोड़ना नहीं है। चलो ठीक है जी, ठीक है ठीक है। नानी अम्मा सुबह सुबह आके हैं अपनी सब्जी में हम पानी देने के लिए, और ये देखें जी पानी दिया जा रहा है। नानी अम्मा इस तरह तो ये सारा अच्छा, नानी अम्मा कह रही हैं थोड़ी सी जगह जो है ना वो सूखी हुई पड़ी थी, तो जो कल अच्छा चलें जी, कल मैंने पानी लगा दिया था, बस थोड़ी सी जगह रहती थी उससे जो है ना मैं तर करने की कोशिश कर रही हूँ। और पिछले वाला लहसुन चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा लगा हुआ है, और इस पर फूल भी बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। मुस्तफ़ा साथ में खेल रहा था तो वो भी आ गई है, तैबा भी आ गई है खेलने के लिए। तैबा खेलने के लिए आई हो, बूट लगा लिए, अभी बाहर जाने की कोशिश कर रही है। किधर जा रही हो, ओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, किधर जा रही हो, किधर जा रही हो, इधर देखो, जा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, किधर जा रही हो, ये देखें काम चेक करें इसके, किधर जा रही हो, इधर आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आ जाओ, आ जाओ। अभी उठा के इधर लेके आऊंगा, लेकिन फिर बाहर जाने की कोशिश कर रही है ये मामी जी। उस दरवाजे से बाहर निकल गई थी। अच्छा दरवाजे से बाहर निकल गई थी, हाँ तो और क्या। चलो अच्छा अभी इसको थोड़ी देर चलने फिरने दो, क्योंकि ये सो जाएगी। ये दोबारा चाय बना जा रही है क्या जी, कम हो गई थी चाय, हो गई थी कम, तो दोबारा मामी चाय बना रही है। और यहाँ पर परिंदों के लिए जो रोटी बच जाती है वो परिंदों के लिए बना के डालते हैं रोज वो भी, और साथ में बाजरा और चावल भी डालते हैं, क्योंकि परिंदे इंतजार करते हैं कब हमको खाना मिलेगा, हर कोई अपना परिंदा अपना नसीब ले जाता है। बिल्कुल, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, गैस खोल रही हो, चाय बनानी है। चले मैं देज की ले आता हूँ। मामी देज की किधर है आजकल, आपको पता नहीं है कि गैस भी चाबियों से खुलती है। चाबी ताले के लेके गई हुई है, ये देखे चाबी गैस को लगा के उसको खोल रही है। चलो चलो पकाओ पकाओ, शाबाश, मैं ले आता हूँ। हाँ चलो पकाओ पकाओ, आग जलाओ, आग आग जलाओ, आग जलाओ। मामू का काम चेक करें,
इतनी धूप लग रही है, दूसरों को धूप लग रही है, आग मंगवा के बाहर बैठे हुए हैं आग जला के। बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, यकीन करो बहुत ज्यादा। क्यों वजह? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, कमजोरी की वजह से हो सकता है। कितनी बड़ी बड़ी जुराबें चढ़ाई हुई हैं, अभी भी सर्दी लग रही है। पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्यों सर्दी लग, कमजोरी की वजह से हो सकती है। अल्लाह पाक करम करे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने कलर करना शुरू कर दिया है, कलर बना लिया है। अभी फ़िलहाल ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर मैंने यहाँ पर फिल करना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा बनाया है। ये वाले डब्बे जो है इसके फिल कर लेता हूँ और उसके भी इसी तरह के सेम डब्बे जो है वो फिल कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा कलर अप्लाई करना है, यहाँ पे तीन कलर अप्लाई करने हैं, कौन कौन से वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक ये वाला ब्लू है, एक रेड है और एक ग्रीन, ये तीन कलर अप्लाई करूंगा और तीन कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। कौन कौन से डब्बे किस कलर से फिल करने हैं वो आप बाद में देखिएगा। मैंने कहा ये काम काफ़ी दिन हो गया पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो इस काम को सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत सारे कुछ बना लिए हैं आर्ट्स वगैरह, वो भी मैंने यहाँ पर प्रिंट करने हैं। बाकी देखते हैं ओवरऑल कैसा बन के लगता है हमारा किचन। मामी लोग आ गए हैं अभी कपड़े वगैरह धोने के लिए, जो मॉर्निंग की रूटीन है वो क्लोज हो गई है। नाश्ता वगैरह सबको देने के बाद हम बाहर आ गए हैं। मामू जो है वो चले गए हैं बैंक किसी काम से गए हुए हैं पैसे निकलवाने के लिए, तो मामी और सब मिलकर कपड़े वगैरह धो रहे हैं। और इधर बड़ी खाला जो है वो चारपाई के ऊपर बैठकर कपड़े धो रही है। बड़ी खाला जी। आप नीचे बैठकर नहीं धो सकती? मोरों का मसला है, मोरों का, इसलिए नहीं बैठ सकते नीचे। अच्छा आपको नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। चलें जी ठीक है। ये हमारे घर ये दो बंदे हैं जिनके लिए बैठना जो ना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक ये एक बड़ी खाला और एक मामी। चलें जी आप लोग कपड़े धो लें, मैं जाके ना सामान लेके आता हूँ, सब्जी वगैरह। ठीक है सामान लेके आओ और कोई सामान भूलना नहीं। चलें ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा, मैं लेके जा रहा हूँ इसलिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई ने तो धक्के दिए हैं, पता नहीं इतनी सब्जी आज कहाँ से लेके आए। आज मुफ्त की सब्जी तो नहीं मिल गई या सस्ती हो गई है? सस्ती हो गई है। चलें जी आज सस्ती हो गई तो इतनी उठा के ले आए, जब महंगी होती है तो फिर ढूंढनी पड़ती है कि सब्जी है कहाँ। तो अभी भाई से सब्जी लेते हैं, जो जो सामान लिखाया है तो वो लेकर चलते हैं घर, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। भाई बुजुर्ग को भी मैंने बोल दिया है कि आप 3 kg ना मुर्गी बना दो और यहाँ पर जी सब्जी लेते हैं भाई से और फिर चलते हैं। ठीक है सब्जी तोलें जो जो मैंने बताई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी स्टोर से भी सारा सामान ले लिया है, अभी घर चलते हैं और घर चल कर सामान देते हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, जो जो सामान बोला था वो मैंने ले लिया है, अगर कोई भूल गया तो फिर आके लेना पड़ेगा। फिलहाल जो बताया था वो सारा मैं लेके जा रहा हूँ, सारा सामान लेकर आ गया हूँ। रानी अम्मा ने यहाँ पर काटना भी शुरू कर दिया है। मामी सारा सामान पूरा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब सामान पूरा, जो आपने बोला था वो सारा कुछ मैं ले आया हूँ। ये मटर है सही और टमाटर भी है बीच में। ठीक है चलें ठीक है, सब सामान पूरा है। और मुस्तफा के लिए कप केक भी ले आया हूँ। हाँ केक भी है। ठीक है मामी, कपड़े खत्म हो भी रहे हैं या नहीं आपके? इतने हैं ना, खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। ये छोटे छोटे कपड़े ये तो तैबा के होंगे सारे। मामू भी आ गए। मैं गया हूँ तो ये कपड़े धोने लगी, अभी तक ये कपड़े धो रही है। अभी भी कपड़े बस। मैं कहाँ से कहाँ होकर आ गया हूँ। अच्छा अल्लाह की हिफाजत से आप आ ही गए हो ना, तो क्या करूँ, ये भी तो काम होना जरूरी है ना। अच्छा दवाई लेने के लिए जाने वो रिपोर्ट तो उठा दो, आज डॉक्टर बैठा हुआ आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, तो मैं कहता हूँ एक मरतबा फिर चेकअप करवा। चलो मैं हाथ धो लूँ। हाँ धो लो, हाथ धो के आ रहे हो। ठीक है मिल गई। हाँ मिल गई रिपोर्ट, अगर घूम गई तो फिर मैं भी घूम जाऊंगी। तो ये जरूरी है ना, फिर अगर ये गुम हो गए ना तो फिर न्यू से सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। फिर ये देखें इतनी सारी रिपोर्टें लगी हुई हैं साथ में। ये देखो बस अल्लाह पाक ना मेरे खावन को ना सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन। फिर मैं घर का काम वगैरह संभालता हूँ, क्योंकि बुश मैंने अभी भी उठाया हुआ है। कलर वगैरह करता हूँ, कलर आज कंप्लीट कर दो। आज कंप्लीट करता हूँ, आज जितना भी सारा कलर है। एक्साइटेड तो होंगे होंगे, मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूं कि जल्दी-जल्दी ये काम हो और यहां पे रेसिपीज वगैरह बने। चलें जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह
कलर जो नीचे का है वो हमने कुछ फिल करना है अभी यहाँ पर ब्लू फिल करना है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना थोड़ा काम जा रहा हूँ कहीं, वहाँ से आता हूँ तो फिर यहाँ पर ब्लू फिल कर दूँगा। फ़िलहाल जो रेड और ग्रीन है वो मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज मैंने छोड़ा है, वो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या भरने वाला हूँ। और बाकी जो यहाँ पर है वो मैं रेड भरने वाला हूँ। नीचे जो डंडे इनके लगे हुए हैं इनमें रेड फिल करने वाला हूँ, क्योंकि रेड जो है ना पिछली बैकग्राउंड से बैक साइड पे अच्छा लग रहा है। बाकी इस साइड पे शायद मैं इससे मैच करूँ ग्रीन, और उस साइड से शायद मैं रेड करूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। मामी से पूछते हैं, मामी क्या भरना चाहिए? रेड भरना चाहिए। रेड सारे रेड होने चाहिए या कोई ग्रीन होना चाहिए? सारे रेड होने चाहिए, मुझे रेड बहुत पसंद है। चलें जी, रेड सारे रेड कर देते हैं। मुझे अगर कलर भी हो कपड़ों का तो मैं कहती हूँ जो फूल यही है रेड, मतलब जो फूल का रंग ही होता रेड वो मुझे अच्छा लगता है। चलें जी, फिर इस व्लॉग को एंड कर दें, क्योंकि व्लॉग जो है ना वो काफ़ी लंबा हो चुका है जी। बिल्कुल, व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि और हमने दूसरे चैनल का भी ताबा व्लॉग का भी व्लॉग बनाना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।